नमस्कार दोस्तों, भारत में कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, अपने धर्म को एक सच्चा धर्म मानते हैं। दोस्तों आज मैं महाभारत के कुछ ऐसे सच और जीवित प्रमाण के बारे में बताऊंगा जिसे वैज्ञानिकों ने भी माना है और लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। और ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा जो लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बात तो सही है। उसके बाद निर्णय आप लोगों पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था या फिर काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में मौजूद है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में कई हजार सैनिकों की जान गई थी, जिसके वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में हुई थी, क्योंकि खोजकर्ता के द्वारा उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया, जिनकी जांच पड़ताल करने पर यह पता चला कि ये लगभग 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी। दोस्तों चलिए दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, और वो ये है कि आजकल आप न्यूक्लियर परमाणु बम का नाम तो जरूर सुना होगा, और महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों इन दोनों पास दुनिया को तबाह करने की शक्ति होती है। ब्रह्मास्त्र जो धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था, वो एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था, यानी कि यह अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों आधुनिक काल में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया, और अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र पर शोध किया और 16 जुलाई 1945 को इसका परीक्षण किया, और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था, जिसको सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको हम आज परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस खतरनाक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वह खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। Into scripture, the Bhagavad Gita, the prince that he should do his duty and says, now I am become death. दोस्तों अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वो ये है कि अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। दोस्तों अब आते हैं चौथे प्रमाण पर, और वो चक्रव्यूह पत्थर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सोलह संगीतहार के नीचे बसा राजनद गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। अब बात करते हैं लक्ष्यगृह की, जो महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई, और इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में, और वो श्री भगवत गीता है। जिन्होंने श्री भगवत गीता पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि उसमें बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही गई है, जो अकल्पनीय और अद्वितीय है। इसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता है, इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। और इस बात का सबूत भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया था। और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, और वह ये है कि द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला, और इसके पुरातात्विक प्रमाणों से पता चला है कि ये वही द्वारिका है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था।
समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं थी बल्कि एक वास्तविक शहर था जिसके बारे में आज हमने बात करी। दोस्तों अभी भी कई सारे ऐसे बहुत से सबूत हैं जो महाभारत को सच साबित करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।